अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमोस्ट्रिक। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को कैसे चेक कर सकते हैं, या किसी भी मोबाइल को आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो आज कितना यूज़ हुआ है, आपने व्हाट्सअप कितना इस्तेमाल किया, आपने फेसबुक कितना इस्तेमाल किया, आपने यूट्यूब या जितने भी सोशल मीडिया आपने कितना यूज़ किया है, या आपने पबजी कितना खेला है, या जो है आपने दूसरी गेम कितनी के लिए है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर कोई आपका दोस्त है या आपका भाई है या आपका जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं कि उसने 10 मिनट मोबाइल यूज़ किया है या अभी 10 मिनट से यूज़ कर रहा है, तो आप उसका झूठ जो है ईजिली पकड़ सकते हैं और उसको जो है ईजिली चेक कर सकते हैं कि उसने मोबाइल कितना यूज़ किया है। आप अपनी भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपने लास्ट वीक अपना मोबाइल कितना यूज़ किया है, बल्कि तकरीबन एक माह तक आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को। तो सारी डिटेल आज की वीडियो में, वीडियो की तरफ जाते हैं और वीडियो को फुल देखें ताकि आपको समझ आ जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग तो आपको ईजिली मिल जाएगी, मेरे ख्याल में आपको एरो से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेटिंग को मैं अपने ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल की, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने जो है ऊपर सर्च के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, जहाँ से आप सर्च हो जो भी चीज़ है वो तलाश करते हैं। तो ये आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना है DIG, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा ये लिख लूँ, DIG, दोबारा से बताती देता हूँ, DIG, ठीक है। इसमें आप जैसे सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन आ जाएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स, ये ऊपर सबसे आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास सेकंड ऑप्शन में भी आ जाए, लेकिन नॉर्मली जो है फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाती है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास जो है आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास डिटेल आ चुकी हैं कि आपने जो है 9:29 आज जो है मोबाइल को यूज़ किया है। तकरीबन 9:30 मैंने यूज़ किया है, उसमें से जो है तकरीबन 6 hours 59 minutes 7 घंटे मैंने व्हाट्सअप यूज़ किया है। तो वो व्हाट्सअप आप लोग कहेंगे कि आप किस लिए यूज़ कर सकते करते हैं, तो हम सारा दिन आपको पता है डीलिंग्स वगैरह करते हैं, पाई की और बी लव की और BISP की काफ़ी काम है जो हम करते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा 32 minutes फेसबुक मैंने इस्तेमाल किया और यूट्यूब जो है वो सिर्फ 22 मिनट मैंने यूज़ किया। तो इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि व्हाट्सअप आपने सारा हफ्ता कितना चेक किया, तो इस पर आप क्लिक कर लें। तो ये डेली की रिपोर्ट है आपके पास, ऊपर से देख लें आप, और साथ में जो है वीकली वाला ऑप्शन भी है। तो डेली का आप जो है पीछे भी जा सकते हैं, कल वाला भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास 7 hours की है, और कल का व्हाट्सअप मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा बैक आ गया हूँ 22 सितंबर का। तो ये आप देख सकते हैं 6 hours 58 minutes कल मैंने जो था 7 घंटे व्हाट्सअप इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह 21 तारीख को हम देखते हैं तो वो मैंने 7 hours 43 minutes यूज़ किया था, तकरीबन 8 घंटे। 20 को मैंने जो 20 सितंबर को किया था वो मैंने तकरीबन किया था 7 घंटे 1 मिनट। इसी तरह आप जो है डेली के बेस पे आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं अपनी जो है व्हाट्सअप के आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा फेसबुक मैं कितना यूज़ करता हूँ, आज मैंने तकरीबन 32 मिनट यूज़ किया है, कल 37 मिनट यूज़ किया है, 21 सितंबर को जो है 45 मिनट, 20 सितंबर को, और इसी तरह 19 सितंबर को 1 घंटा, और 18 सितंबर को 4 मिनट। तो ये सारी हैं, आप जो है यहाँ से वीकली रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीकली पे क्लिक करें तो यहाँ से जो है वीकली आप कितना चेक कर, डेली जो है तकरीबन मैंने एवरेज जो है वो 34 मिनट है वो मैंने जो है यूज़ किया है फेसबुक को। तो इस तरह कोई भी ऐप जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप पबजी वगैरह या जो भी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है, किसी का मोबाइल भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें।